हेलो एंड वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम सभी सिद्दीकी चैनल में बनाएंगे चिकन कोरमा, और बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे जो झटपट से तैयार हो जाए। प्रेशर कुकर में बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले ये आधा किलो चिकन लिया हुआ है बोन्स के साथ। ये कुछ मसाले हैं, इसमें हमने 4 टीस्पून लिया धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ही गरम मसाला, 2 चुटकी हल्दी, नमक टेस्ट के हिसाब से लें, और यहाँ पे हैं 4 लौंग और 2 छोटी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का या कहें सिनेमन स्टिक, और ये हमने 2 प्याज को लार्ज साइज़ में 2 प्याज को मैंने काट कर इन्हें गोल्डन फ्राई किया है। जलाना एकदम नहीं है, एकदम गोल्डन हो। और ये हमने यहाँ पे 100 से 150 ग्राम दही लिया है। दही एकदम खट्टा नहीं होना चाहिए, फ्रेश हो। और अब ये हमने कुकर लिया है, इसमें तेल है 100 ग्राम, इसी में हमने प्याज को फ्राई किया है, इसी में हम बनाएंगे। तो इसमें हमने ये डाला 1/2 किलो चिकन, और अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 2 सूखे मसाले। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। अब इसमें 2 टीस्पून ये डाल देंगे दही, पूरा नहीं डालना है, सिर्फ 2 चम्मच ही डालना है। अब इसे मिलाकर एक प्रेशर ले लेंगे कुकर का ढक्कन बंद करके। यहाँ पे हमने चढ़ा दिया है, और 1 सीटी आने के बाद इसे बंद कर देंगे गैस को। और अब यहाँ पे ये हमने दही एक जार में डाला, मिक्सी जार में, और ये तली हुई प्याज इसी में जाएगी, और हमने यहाँ पे कुछ मसाले लिए हैं। यहाँ पे 2 टीस्पून ज़ीरा लेके भून लिया है, जावित्री थोड़ी सी, थोड़ा सा टुकड़ा जायफल का, और 10-12 काली मिर्च, और बड़ी इलायची के दाने। छिलका नहीं डालना है, सिर्फ दानों को निकाल के डालना है। अब इसे ग्राइंड कर ले, ये हमने पीस लिया है। अब चलिए कुकर को खोलते हैं। तो ये देखिए, इसमें थोड़ा सा पानी बाकी है, तो इसको हम जला लेंगे, यानी कि इसको भून लेंगे। गोश्त एकदम वैसा गला हुआ नहीं है, अब इसे सिर्फ भूनने तक पकाना है। देखिए इसका पानी सारा एक्स्ट्रा जल गया है। अब इसमें हमने जो पीसा था दही और प्याज, वो प्योरी डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी जाएगा, इसमें करी बहुत ज़्यादा नहीं रहती है। अब इसे थोड़ी देर पकाएंगे, सिर्फ 2-5 मिनट या 3 मिनट तक। लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून केवड़ा वाटर, और अब हम इसे डिश आउट करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ था, इस तरीके से एक बार ज़रूर बनाएं और कमेंट करें कैसा बना था। तो अगर आपको मेरी सिंपल सी रेसिपी पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।